गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के लेक्चर में आपको आर्थिक क्रिया के बारे में बताया था। आज हम आर्थिक क्रिया के जो घटक हैं उनका कोऑर्डिनेशन देखेंगे। दो प्रकार की क्रियाएं बताई आपको, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने से आय का सृजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो काम होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है उससे आय प्राप्त कर रहा है, एक टीचर आपको एजुकेशन दे रहा है उससे आय प्राप्त कर रहा है, या कोई पेपर बेच रहा है पेपर बेचकर वो पैसा प्राप्त कर रहा है, तो इस प्रकार की जो भी एक्टिविटीज इकोनॉमी के अंदर हो रही है उन सारी इकोनॉमियों को इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रिया में शामिल किया गया है। इसका दूसरा जो पार्ट था वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी गैर आर्थिक क्रिया आपको बताया, और उसमें बताया गया था कि वे क्रिया जिनको करने से आय का सृजन नहीं होता, वो एक निःशुल्क भाव से सेवा भाव से जो क्रियाएं की जाती है उनका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं होता है। आर्थिक क्रिया पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्थिक क्रिया जो है वह शास्त्र की आधारभूत मान्यता है। अर्थशास्त्र में इन विषयों को पढ़ा जाएगा, इसके व्यवहार को समझा जाएगा, इसलिए हमें इनका ज्ञान जरूरी है। इसके साथ मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। एक बात की जो मैंने उपभोक्ता क्या है और उपभोग क्या है, कंज्यूमर और कंजम्पशन। दूसरा मैंने आपको बताया था उत्पादन। तीसरा आपको बताया था विनिमय। और चौथा बताया था आपको वितरण। और पांचवा हमने चर्चा की राजस्व। देखिए छात्रों, इन घटक के बारे में किसे कहते हैं उपभोक्ता, किसे कहते हैं उत्पादन, क्या है विनिमय, क्या है वितरण, क्या है कितने प्रकार का होता है वितरण, वस्तु विनिमय क्या है, मुद्रा विनिमय क्या है, इन सब पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो विषय होगा वो इन सारे कंपोनेंट्स का एक संगठनात्मक अध्ययन करना होगा। इकोनॉमी में किस प्रकार से ये जो संगठक है वो कार्य करता है, तो उसको एक डायग्राम के माध्यम से हमें समझना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इकोनॉमी को दो भागों में बांटना है। एक भाग हम ले रहे हैं परिवार, हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं इसको। दूसरा भाग हम ले रहे हैं फार्म, जिसे प्रोड्यूसर सेक्टर कहते हैं। यह मैंने इकोनॉमी को दो भागों में बांटा है, वाई बराबर सी प्लस आई। टू सेक्टर मॉडल की चर्चा यहां पर कर रहे हैं, वाई बराबर सी प्लस आई सेक्टर। तो दो भाग मैंने बांटा है, परिवार हाउस होल्ड है जिसमें उपभोक्ता उत्पादक दोनों रहते हैं, और फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर जो है उसमें उत्पादन वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। साथ में दोनों सेक्टरों का समायोजन या इनकी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हम यहां पर ले रहे हैं वस्तु बाजार, गुड्स मार्केट, वस्तु बाजार। और इधर हम ले रहे हैं साधन बाजार, बाजार। साथ में पूंजी बाजार। तीन प्रकार के बाजारों को इस मॉडल में मैंने शामिल किया है। अब आपको समझना होगा कि गुड्स मार्केट क्या होता है, सेक्टर मार्केट क्या होता है, और कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो ऐसा बाजार जहां वस्तु सेवाओं पर क्रय विक्रय होगा, जिस बाजार में वस्तु सेवाएं खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, उस बाजार को बोला जाता है वस्तु बाजार। जिस बाजार में साधनों का क्रय विक्रय होता है, साधन खरीदे जाते हैं, उत्पादन के साधन और बेचे जाते हैं, उस बाजार को बोला जाता है साधन बाजार। और पूंजी बाजार जो है ये कैपिटल मार्केट है, जहां हम विभिन्न प्रकार की हमारी डिपॉजिट जमाए होती हैं, उनको हम सेविंग के तौर पर डालते हैं, उसके बदले में हमें रिटर्न इंटरेस्ट के तौर पर मिलता है। और पूंजी बाजार से प्रोड्यूसर के लिए या फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। तो यहां इन घटकों के द्वारा आपको उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादन, विनिमय, इनके बारे में संगठनात्मक अध्ययन करना होगा। तो देखिए, पहले आपको बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है इसके पास उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन अपनी सेवाओं को बेचेंगे,
और अपनी सेवाओं को बेचेंगे साधन बाजार में। उत्पादन के साधन कला से चर्चा की थी हमने, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये चार उत्पादन के साधन होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। ये चार उत्पादन के साधन परिवार के पास होते हैं और इस परिवार के द्वारा एलएलकेई को स्थानांतरित किया जाएगा या साधन का प्रवाह होगा साधन बाजार की ओर, और ये साधन बाजार इन साधन की सेवाओं को बेचेगा प्रोड्यूसर के लिए। इसका मतलब एलएलकेई इनका प्रवाह होगा साधन बाजार से फर्म की ओर। अब कोई भी उत्पादन का साधन अपनी सेवाएं क्यों बेचता है, तो हम इस बात को समझते हैं यहां पर कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा या वस्तु की जरूरत होती है। उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पहले अपनी सेवा को बाजार में बेचता है और उसके बदले निश्चित प्रतिफल प्राप्त करता है, और यह प्रतिफल किस रूप में होगा, जो व्यक्ति श्रम कर रहा है उसको वेजेस मिलता है, डब्ल्यू मिलता है, भूमि को रेंट मिलता है लगान, कैपिटल पूंजी को ब्याज मिलता है और एंटरप्राइज उद्यमी को प्रॉफिट मिलता है। इस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए ये उत्पादन के साधन अपनी सेवाओं को बेचते हैं। इसी प्रकार से ये साधन प्रोड्यूसर के पास काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी इनको इसी रूप में प्रतिफल देगा, श्रम को डब्ल्यू मिलेगा वेजेस, लैंड भूमि को रेंट मिलेगा लगान, कैपिटल पूंजी को ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्राइजर उद्यमी को मिलेगा प्रॉफिट। तो एक प्रकार से ये जो आर्थिक प्रभाव हो रहा है ये एक आर्थिक क्रिया को संपन्न कर रहा है। इसी प्रकार से इन लोगों ने अपनी सेवा बेची, इन उत्पादन के साधन ने साधन बाजार अपनी सेवा बेची, साधन बाजार ने अपनी सेवाओं को उत्पादन को बेचा। अब फर्म जो है या उत्पादन जो है या वस्तु सेवाओं का उत्पादन करेगा इनकी सेवाओं से। अब देखिए आप, ये जो प्रवाह इनके पास आया है इस प्रवाह को ये वस्तु बाजार के एक्सपेंस करेंगे, व्यय एक्सपेंस होगा, साथ में इसके बदले वस्तु बाजार परिवार को वस्तु सेवाओं का फ्लो करेगा, गुड्स एंड सर्विस फ्लो। वस्तु बाजार वस्तु सेवाओं का प्रवाह परिवार को करेगा और इसके बदले में परिवार वस्तु बाजार को व्यय करेगा मुद्रा के तौर पर या इस प्रतिफल के, जो इन्होंने प्रतिफल प्राप्त किया है इस प्रतिफल के रूप में। अब देखिए इसके बाद वस्तु बाजार ने जो प्रतिफल प्राप्त किया है वो इस प्रतिफल को एक्सपेंस करेगा, व्यय करेगा फर्म के पास, और फर्म इसके बदले गुड्स एंड सर्विस फ्लो करेगा, गुड्स एंड सर्विस फ्लो वस्तु सेवा प्रवाह करेगा। तो कहने का मतलब ये आर्थिक जो घटनाक्रम हुआ है इसमें चक्र का निर्माण हुआ और ये चक्र जो है ये आर्थिक क्रियाओं को संपन्न कर रहा है। एक परिवार अपना जो वस्तु सेवा को भोग कर रहा है वो संतुष्टि के लिए कर रहा है और उनका उत्पादन फर्म कर रहा है, फर्म इसके बदले में इनको प्रतिफल देता है और इसके बदले में वस्तु बाजार को व्यय करता है। इसके साथ ही हम कैपिटल मार्केट को जोड़ते हैं इसके अंदर, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो पूंजी बाजार में बचत करेगा, सेविंग, और पूंजी बाजार हाउस होल्ड सेक्टर को ब्याज देगा। हमारी छोटी छोटी जो वस्तुएं होती हैं उन सारी वस्तुओं को परिवार कहां सेव करता है, पूंजी बाजार में करता है। अब पूंजी बाजार के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो परिसंपत्तियां निर्मित हुई हैं, उन परिसंपत्तियों को कैपिटल मार्केट प्रोड्यूसर के पास इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश, और इसके बदले में प्रोड्यूसर इसको प्रतिफल देगा, लाभांश देगा, ब्याज देगा। अब यहां जो क्रियाएं संपन्न हो रही है उनमें हम देखेंगे कि परिवार में जो व्यक्ति रह रहा है, जो उपभोक्ता कहलाता है, वो वस्तु बाजार से वस्तु सेवाओं को प्राप्त कर रहा है, वो कहलाएगा उपभोक्ता। अभी जो आपको बताया गया है उपभोक्ता क्या होता है, वो कौन कहलाएगा, उपभोक्ता।
क्योंकि परिवार में रहने वाला व्यक्ति वस्तु बाजार से वस्तु सेवा को प्राप्त कर रहा है, वो उन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, क्या कहलाएगा वो उपभोक्ता। इधर आप देखिए वस्तु बाजार में फर्म के द्वारा गुड्स को पैसा दिया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस वस्तु सेवा प्राप्त कर रहा है, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी विनिमय, एक्सचेंज, विनिमय। विनिमय का मतलब पिछली क्लास में आपको बताया था वस्तु सेवा का लेन देन करना, आदान प्रदान करना, अदला बदली करना, तो यहां मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, बाजार के द्वारा फर्म को मुद्रा दी जा रही है, मुद्रा के तौर पर व्यय किया जा रहा है, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस प्राप्त कर रहा है, तो यह प्रक्रिया हो जाएगी विनिमय। अब हम साधन बाजार को फर्म में जोड़ते हैं, तो यहां साधन अपनी सेवाओं को फर्म को बेच रहे हैं, उसके बदले में प्रतिफल उसको मिल रहा है, तो यह प्रक्रिया कहलाएगी वितरण। वितरण का मतलब यह बताया था कि जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में उत्पादन के साधन का अंश क्या होगा, हिस्सा कितना होगा, वो वितरण कहलाएगा। तो वितरण की प्रक्रिया हो रही है श्रम, भूमि, पूंजी, साधन, या अपनी सेवाओं को उत्पादक या फर्म को बेच रहा है और फर्म उसके बदले में उसको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तौर पर प्रतिफल दे रहा है, यह प्रक्रिया होगा इसकी वितरण की। और लेने देने जो आय आ रही है और जा रही है, ये प्रक्रिया राजस्व के तौर पर पड़ी जाती है। तो चार प्रकार के कंपोनेंट्स आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में बताए हैं, जिसमें आपको उपभोग बताया है, उपभोग क्रिया है उसको करने वाला उपभोक्ता होगा, विनिमय, वितरण और राजस्व। इन चारों संगठनों को पढ़ने के बाद हम संपूर्ण रूप से आर्थिक क्रियाओं को समझ पाएंगे। तो ये आपके इस लेक्चर में आर्थिक क्रिया का विषय कुछ पिछले वीडियो में बताया आपको, कुछ इस वीडियो में आपको बताया गया है, ये यहाँ पूरा होता है। इसके बाद नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में हम फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।